प्रदेश में आज योगी सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। वहीं बैठक में लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया। बता दें कि अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से और बाकी सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। माना जा रहा था कि यूपी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर की महिला को बस में फ्री यात्रा के पास का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स के रेट को भी कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं किया गया है। कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए, इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफी समय से मुकदमेबाजी हो रही। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहां पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे, उनको ध्वस्टीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और कैबिनेट में आने के कारण ध्वस्टीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्टीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको शेष धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था। ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है, और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी, उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं। और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है बिल्डिंग। पास में ही लगभग 56 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जिसको खरीदने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमने लिया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें इसका भुगतान करिए। उनके पास इस भुगतान के लिए 414.05 करोड़ रुपए का था प्रस्ताव, जबकि राजस्व विभाग का कहना था कि 720.33 करोड़ रुपए अथॉरिटी पर अभी हमारे बाकी हैं सरकार के, क्योंकि जो जमीन एक्वायर हुई थी किसानों को तो भुगतान कर दिया गया था उस समय, लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन थी वो अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भुगतान नहीं किया था। उसमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव आया था, तो निशुल्क जो है ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जो 56 एकड़ लैंड है उसको देने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT